गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। तालिबान का कहना है कि उसके लड़ाकों ने पंजशीर घाटी पर भी कब्जा कर लिया है। इसके साथ ही तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर नियंत्रण का दावा किया है। हालांकि अफगानिस्तान के अफजस्त उपराष्ट्रपति अमरुल्ला साले ने तालिबान के दावे को खारिज किया है। अमरुल्ला साले का कहना है कि अभी भी पंजशीर घाटी में भीषण लड़ाई जारी है। बीते कई दिनों से जारी खूनी खेल के बीच शनिवार को पंजशीर के लड़ाकों से पंगा लेना तालिबान को महंगा पड़ गया और उसके करीब 700 से ज्यादा लड़ाके ढेर हो गए। पंजशीर के प्रतिरोध बलों का दावा है कि शनिवार की लड़ाई में करीब 700 तालिबानी मारे गए और 600 अन्य लोगों को कैद कर लिया गया है। इससे पहले पंजशीर के नेता अहमद मसूद ने कहा था कि मर जाएंगे लेकिन आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। पंजशीर प्रतिरोध समूहों के सोशल मीडिया अकाउंट के मुताबिक तालिबानी सेना भारी नुकसान झेलने के बाद प्रांत से भाग रही है। पंजशीर प्रांत में प्रतिरोध बलों का नेतृत्व कर रहे अहमद मसूद ने एक ऑडियो संदेश में ये जानकारी साझा की। गौरतलब है कि तालिबान विरोधी प्रतिरोध बलों के कमांडर अहमद मसूद ने पंजशीर को तालिबान के चंगुल से छुड़ाने की कसम खाई है। उन्होंने शनिवार को अफगानिस्तान की मीडिया से बात करते हुए कहा कि ईश्वर, न्याय और स्वतंत्रता के लिए हम अपने प्रतिरोध को कभी नहीं रोकेंगे। मसूद ने ये भी कहा कि पंजशीर में प्रतिरोध और अफगानिस्तान में महिलाओं के विरोध से ये संकेत मिलता है कि अफगानी कभी भी अपने वैध अधिकारों के लिए लड़ना नहीं छोड़ा करते। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से पंजशीर में मानवीय सहायता की अनुमति देने के लिए तालिबान पर दबाव बनाने का भी आग्रह किया है। बता दें कि 15 अगस्त को तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया था। उधर तालिबान का कहना है कि अमरुल्ला साले पंजशीर घाटी छोड़कर भाग गए हैं। हालांकि साले का कहना है कि वो पंजशीर में ही हैं और तालिबान का पूरी ताकत से विरोध कर रहे हैं। साथ ही साले ने कहा कि पंजशीर पहले की तरह ही तालिबानियों के लिए कब्रगाह साबित होगा। बता दें कि तालिबान ने 1996 में जब सत्ता हथियाया था तो उस वक्त भी पंजशीर घाटी तालिबान के कब्जे से बाहर थी।